सोचा मैं तुम्हें अनदर वीडियो तो कैसे आप सब जरूर बताएंगे कमेंट में। तो आज उन लोगों के लिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल अपने लाइफ में टाइम नहीं मिलता उन लोगों को खाना बनाने के लिए, सॉरी तो उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने के लिए। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ईजी सोयाबीन की बिरयानी बनाऊँगी, झटपट बन जाने वाली। तो मैं 20 मिनट के अंदर ये बना लेती हूँ क्योंकि कुकर में बनाऊँगी तो इसलिए और भी ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। तो मैं पहले से ही चावल और सोयाबीन को भिगो कर रख दिया था और अभी बस वेजिटेबल को कट करना बाकी है। जो जो मुझे पसंद है वो सब भी डाल दूँगी मैं, बट वेजिटेबल ज़्यादा नहीं, बस लहसुन प्याज ये सभी। तो एकदम ईजी है और क्विक बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। तो चलिए बिना बकबक किए, बहुत बकबक कर लिया आप लोगों का टाइम, वैसे ही मैंने बर्बाद कर दिया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। और एक बात, आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो पर लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों? ऐसा मत कीजिएगा। मैं अभी मैं न्यू कमर हूँ आप, और आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला तो मैं कैसे आगे जा पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोग प्लीज़ ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए ईजी ईजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बहुत बकबक कर लिया। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने सोयाबीन को अच्छी तरह से सोक करके रख दिया था आधा घंटा पहले। आप लोग चाहते गर्म पानी में भी इसे सोक कर सकते हैं, पर मैंने ठंडा पानी में सोक किया था क्योंकि इसलिए आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था इसे। और यहाँ देखिए, मैंने बासमती चावल नहीं लिया है, ये जीरा राइस है यहाँ पर हम लोग, तो इसे यहाँ पर जौहर राइस बोल के बोलते हैं हम लोग क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग चाहते बासमती चावल ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है और ये सिनेमन को थोड़ा सा क्रश कर लिया, और ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और ये है फूरन के लिए मैंने लिया है जीरा, और ये अदरक थोड़ा घिसा हुआ अदरक। और आप लोग चाहें तो लहसुन ले सकते हैं, पर मैं अभी लहसुन ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ देखिए, मैंने 3 चिली लिया है, ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पर बीन्स कट कर लिया है मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पर गाजर, और ये एक प्याज को मैंने पतले पतले साइज पर कट कर लिया है। और यहाँ देखिए, मैंने तेज़पत्ता लिया है, और 3 कार्डमम, और 3 क्लोव्स, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और अगर आपके पास सिनेमन स्टिक है तो वो डालिएगा, पर मेरे पास क्रश किया हुआ है तो मैं उसे डालूँगी। और यहाँ देखिए, थोड़ा सा काजू बादाम लिया है मैंने, और बस तेल चाहिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग इसके साथ केसर वसर डालना चाहते हो तो डालिएगा ज़रूर, पर मैं एकदम ईजी दिखा रही हूँ और क्विक बनने वाला रेसिपी दिखा रही हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर नहीं डाला है, आप लोग चाहे तो डाल लीजिएगा, मुझे हल्दी पाउडर नहीं अच्छा नहीं लगता है कलर्स में। तो यहाँ देखिए, मैंने कुकर को बिठा दिया है अभी गैस पर गर्म होने के लिए। तो यहाँ देखिए, कुकर गर्म हो चुका है, तभी मैं यहाँ पर तेल ऐड कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से तेल डालिएगा आपको जितना चाहिए, तो मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाला है यहाँ पर तेल। तो ये देखिए, अभी तेल गर्म हो चुका है, तभी मैं सबसे पहले जीरा को ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर जीरा चटकना शुरू हो चुका है, तभी घिसा हुआ अदरक। आप लोग चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं घी भी ऐड नहीं करूँगी यहाँ पर, घी से भी अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं यहाँ पर जौहर राइस यूज़ कर रही हूँ, तो जौहर में कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने प्याज को भी डाल दिया, और अभी देखिए ये इलायची और लौंग ये सब को भी मैं डाल दे रही हूँ अभी, तभी चिली को भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, और ये 2 तेज़पत्ता। बस अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ एक बार। ये जौहर राइस जो मैंने लिया है, इससे बनाने से आपको कुछ भी नहीं डालना चाहिए पड़ता है क्योंकि इसका एक खुद का एक फ्लेवर रहता है जिससे खाने का टेस्ट और भी निकल के आता है। तो यहाँ देखिए, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होकर आया है, तो अभी मैं यहाँ पर कटे हुए बीन्स को ऐड कर रही हूँ। अभी गाजर, इसे भी डालने के बाद मैं अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेती हूँ फिर से। ज़रूर ट्राई कर जाएगा आप लोग, ये बहुत ही हेल्दी होता है। सभी वेजिटेबल मैंने जो मुझे पसंद है वही वेजिटेबल डाला है। तो यहाँ देखिए, मसाले जो जो था वो सब डाल दे रही हूँ अभी मैं। इस
इसमें मसाला भी कम लगता है, तो इसलिए बच्चे लोगों को भी आप देख सकते हैं एकदम ईजी, उन लोगों को भी खा के बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल रहता है ये। तभी मैं सोयाबीन को ऐड कर देती हूँ। तो इसे भी डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ फिर से मिक्स कर रही हूँ। तो अभी लास्ट में बस चावल डालना बाकी है। तो ये देखिए मैं बीच बीच में इसे चेक कर अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी ताकि थोड़ा सा सब्जी कलर चेंज हो जाए। तो अभी देखिए मैं चावल को भी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा चावल मैं बचा देती हूँ क्योंकि इतना चावल नहीं चाहिए, बस मैं दो जन के लिए बना रही हूँ इसलिए कम ही लिया है मैंने, आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। तो चावल डालने के बाद मैं फिर से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और नीचे से भी थोड़ा सा चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा ये अच्छा लगता है खाने में, इसलिए बच्चे लोग बहुत चाव से खाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ज़रूर बनाइएगा इसे, उन लोग को बहुत बहुत चाव से खाएगा इसे। तभी मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। तो अभी लास्ट में काजू बादाम इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। इसे अच्छी तरह से नीचे से एक बार फिर से एक बार चला लेती हूँ मैं ताकि नीचे में जो जो चिपका हुआ था वो सब निकल जाए। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर कुकर को ढक्कन लगा के एक सीटी आने तक मैं इसे छोड़ दूँगी ऐसे ही। सिटी आ चुका है, बस अभी मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मैंने 20 मिनट ज़्यादा ही बोल दिया था, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। तो बस अभी चेक कर लेती हूँ इसे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है, ज़्यादा चिपका भी नहीं है। और बस अभी मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज का लंच मेनू मेरा ये रहा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने सलाद लिया था और ये चिकन लिया था मैंने, बस आज इसी से ही मेरा लंच कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।